सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, अपने आप को ध्यान से रखिए, बचा कर रखिए। और अगर आज की बात करें तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाएं कि 11 बजे हम तैयार होकर बैठ जाते हैं अपनी अपनी ट्रेनिंग को कंडक्ट कर लेने के लिए, सीखने के लिए। तो कल कितने लोगों ने करण सर की ट्रेनिंग ली है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है टीम चैंपियंस ग्रुप में, और ये सब कुछ आप लोगों की रिजल्ट, आप लोगों की एंथुजियाज्म की वजह से ही पॉसिबल होता है कि हम लोग ये चीजों पे वर्क कर पाते हैं और नए नए ट्रेनर्स और गेस्ट स्पीकर को हम ला पाते हैं। आगे भी कोशिश करेंगे कि किसी और नए पर्सन को ऐड करेंगे सो दैट कि हमें और अच्छे से और नॉलेज मिल सके। पर फ्रेंड्स एक चीज कहना चाहूंगी, हम जितनी मर्जी नॉलेज ले लें, हम जितना मर्जी ट्रेनिंग्स ले लें, काम जो बेसिक चीजें हैं उससे दूर नहीं जाना है, क्योंकि हम सबका पर्पस है ग्रोथ, हम सबका पर्पस है एक इनकम, अच्छी इनकम अर्न करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम की लिमिट नहीं है। तो सबसे पहले विश्वास रखिए कि आप अर्न कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। पहले ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए अपने ऊपर, विश्वास रखिए अपने ऊपर। सेकेंड थिंग अगर बात करें तो ये वो ग्रुप है जो कहते हैं यूनिवर्सिटीज, मैं एक चीज मानती हूँ कि यहाँ पर लीडरशिप फैक्ट्री है, लीडर्स तैयार किए जाते हैं, पर वो लीडर अपने लिए नहीं होते हैं, वो लीडर लोगों को सफल बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो इतनी सारी, 35 लोग अभी आए हैं और लोग ज्वाइन हो जाएंगे अभी, पर इतनी सारी यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना कि तैयार हो रही हैं, जो बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने आगे इस चीज को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया होगा। और जहां बात चल रही है ग्रोथ की, वहां चाहिए अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई है हमें देखने वाला कि क्या मैंने मेमोरी जॉगर बनाया, क्या मैंने ये ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया, पिछली बार SPBM दिखाए गए थे, क्या हमने उसको ओपन करके देखा। क्योंकि ट्रेनिंग्स आप बहुत जगह से ले लोगे, पर काम तो फ्रेंड्स हमें खुद अपने ऊपर ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा हमें सफल बनाने के लिए। तो 10 पॉइंट पिछली बार डिस्कस किए थे, 10 पॉइंट पिछली बार डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने जरूर उस पर वर्क किया होगा। तो थोड़ा सा हम पिछला बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और आज फिर से समीर मोदी आजादी प्लान के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। कहते ना गन्ने का रस निकाल लेना, और गन्ने का रस जब तक पूरा गन्ने में से रस ना निकल जाए, एक बूंद 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 ना निकल जाए, तब तक उसको नहीं फेंकते गन्ने वाला। ऐसे ही समीर मोदी आजादी प्लान में कमाने वाला 5,000 भी कमा रहे, 5 लाख भी कमा रहे, और कमाने वाले 75 लाख भी कमा रही है उसी समीर मोदी आजादी प्लान की वजह से। अगर फ्रेंड्स हमें प्लान समझ में आ गया तो हम कहीं ना कहीं से अपने लोगों को भी सिखा पाएंगे और उनको भी उसके अकॉर्डिंग उनको इनकम दिलवा पाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव है समीर मोदी आजादी प्लान के ऊपर काम करना, उसको समझना, फिर उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, 6 के स्ट्रक्चर के साथ काम शुरू करना, वेट पर काम करना और डेप्थ पर काम करना। कहीं कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क, कोई नहीं मतलब समझ में आ रहा, टाइटल का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, ओपन ही चलेंगे क्वेश्चन। 2 या 3 ट्रेनिंग सिर्फ समीर मोदी आजादी प्लान की चलेंगी, और बाकी जो मैंने हेल्थ के नोट्स बोले थे अगर आप लोगों ने बना लिए हैं तो मैं चाहूंगी आज आप जरूर शेयर करो मेरे पर्सनल नंबर पर, सो दैट उसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो सके। क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि जब आपके नोट्स बन जाएंगे फिर आपको पार्ट मिलेगा प्रेजेंट करने का, चाहे वो 2 स्लाइड हो, चाहे वो 3 स्लाइड हो, चाहे वो 5.5 की ट्रेनिंग हो या पर्सनल ट्रेनिंग हो। तो मैं आपके इंतजार, आपके नोट्स भेजने के बाद फिर हम करेंगे कि कौन कौन उसको पार्ट उसको प्रेजेंट कर पाएगा। ओवर टू आशीष जी, जो आज बेसिकली हमें समीर मोदी आजादी प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं। और उससे पहले अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेस करके आप पिछले वाले बात से कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं जो हमने लास्ट वीक जो स्लाइड देखी थी, इस पे किस किस ने काम करा है, इसको किस किस ने इम्प्लीमेंट करा है, एक बार मैं चाहता हूँ आप हैंड रेस कर लो तो उनको अनम्यूट करेंगे। अभी तक सिर्फ एक ही हैंड रेज है, अनंत जी, कुलदीप जी। और किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया या हुआ क्या? पहले तो हम इसी पे बात करते हैं कि इसमें से क्या चीज समझ में नहीं आई, सो दैट कि हम पहले आगे बाद में जाएंगे। यही बेसिक है, आप कोई मर्जी ट्रेनिंग कर लो, अगर हम बेसिक पे काम नहीं करेंगे, हम जो मर्जी एडवांस ट्रेनिंग लेते जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले हम इसी पर ही बात करेंगे, इसमें से किसको समझ में नहीं आया, एक बार पहले वो देखना चाहता हूँ कि अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को हम अनम्यूट करके पूछते हैं कि क्या क्या उन्होंने कर लिया अभी तक। तुषार, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर,
हाँ जी, इसमें से ये 10 पॉइंट हैं, आपने किस किस पर काम करना शुरू कर दिया? एक एक करके सबके बारे में बताऊं? नहीं आप बताओ ना, मतलब पहले तो हाँ कौन सा पॉइंट, यार ये बता दो कौन सा पॉइंट रहता है इसमें से? या कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो आपको क्लियर ना हुआ हो? नहीं सर, मेरे को क्लियर सारे हैं एंड मैंने सभी पर वर्क करा है। ओके हाँ जी ठीक है, सभी पे वर्क करा है और सब सारे क्लियर है आपको, राइट? हाँ जी सर, मुझे क्लियर है। ठीक है तुषार, थैंक यू, आप अपना हैंड लोअर कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ जी प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी सर, सर मेरा इसमें सेकंड पॉइंट रहता है जो कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ बैग, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे मैंने वर्क शुरू किया कि कंपनीज की ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स लेने शुरू किए हैं, और जो कंपनी की ऐप है और जो वेबसाइट है उस पर मैंने SPVM, आपने SPVM खोल कर देखा? हाँ जी। ओके क्या क्या दिखा उसमें से? सर मैंने शुरुआत के 10 कदम उसको मैंने रीड करने का कोशिश किया, और साथ में एक आरोग्य जो है वो मैंने खोल के देखी शुरुआत की। वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग भी है शरद सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। हाँ जी सर, सर वो जब हम प्ले करते हैं तो वो ऑडियो आती है उसमें। हाँ जी, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई है कंपनी की तरफ से, सो दैट हम उसकी प्रैक्टिस कर सके। हाँ यस सर, वो ऑडियो सुनी थी मैंने। और जो सेकंड पॉइंट है, आप इसमें से जो आप कर सकते हो राइट, जैसे कि कॉपी पेन प्लस साथ में आपके पास प्रोडक्ट है तो आप डेमो वाला काम अभी कर सकते हो, जिसको भी आप प्लान दिखाओ, सो दैट कि आपकी डेमो किट तैयार हो सकती है। अगर बैग नहीं भी है तो भी आप 4 से 5 डेमोस तैयार कर सकते हो। सर डेफिनेटली मुझे इस पे वर्क करना भी है और मैं तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाकी पॉइंट आपके क्लियर हो गए इस पे, आपने काम कर लिया? बाकी पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है थैंक यू। अब जिनके हैंड, अब मैं एक बार सबको लोअर हैंड कर देता हूँ, उनसे एक बार किसी और से जान लेते हैं जिनके हैंड रेज नहीं है। किसी को इसमें समझ में नहीं आया या क्या है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि जब तक ले नहीं होंगे हम जो मर्जी करते रहे तब तक कुछ नहीं होगा। ये बहुत क्लियर है और ये 10 पॉइंट्स ही सबसे मेन है। चाहे आप किसी की भी ट्रेनिंग लोगे, हर एक में नहीं आएगा कि आप 100% सेल्फ यूजर हैं या नहीं है, क्या आप प्लान देख दिखा रहे हैं नहीं है, क्या आपके ड्रीम है कि नहीं है, सब में यही 4 चीजें ही आएंगी और कोई काम नहीं है। इसी को ही रिपीट करना है, यहां तक पहुंच के फिर दोबारा रिसाइकिल में चलते जाना है। हाँ जी मंजू भारद्वाज जी, हेलो। मंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको ले वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ जी सर क्लियर है। इसमें से अभी कौन सा पॉइंट है जो अभी स्टार्ट नहीं किया आपने या करने वाले हैं? सर मैं सारे कर चुकी हूँ। तो फिर हैंड रेज क्यों नहीं करा आपने? हाँ सर वो रह गया। तो इसमें ऐसा तो, और अब करना क्या है कि हमें अपने साथ साथ जो भी डायरेक्टर अनुभव है, अपने साथ साथ अपने 3 या 5 लोगों को जो लिस्ट जिनको आप लीडर बनाना चाहते हैं उन सबके लिए ये सारे तैयार करवाने हैं। क्या करूं? हाँ जी सर करवा दिया। तो वो इस पे आपने लिस्ट बनाई कि किस किस के आप ले चेक करने वाले हो और करवाने वाले हो? लिस्ट तो नहीं बनाई पर सर नाम लिख लिए। हाँ लिख लिए ना, वही कह रहा हूँ। हाँ जी सर, तो वो लिख लिए। तो अब आप जो भी आपकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आई थिंक सबकी सैटरडे या संडे मोस्ट ऑफ द पीपल की अपनी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं अपने अपने ग्रुप के साथ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसमें आप परिवर्तन तो कर ही रहे हो, साथ में इस पे फोकस करना। नहीं इस पे, इस पे भी, इसमें भी इस पे फोकस कराओ कि साथ कि ये सब काम उन्होंने करे हैं या नहीं करे हैं। ठीक है सर। इस पे फोकस करवाओगे तो ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा।
इसमें यही दिखा ना आपको कंपनी की वेबसाइट ऐप आती है नहीं आती है, क्या आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ड्रीम लिस्ट आपकी बन गई है, प्रोस्पेक्टस इसके अंदर भी है देखो मेमोरी जॉब। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो नहीं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अपनी अलग अलग मीटिंग करते हैं ग्रुप में, आपको कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि हम उनके साथ क्या कौन से टॉपिक पे बात करें, राइट? यस सर। इससे बेस्ट टॉपिक और कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है? इससे बेस्ट टॉपिक कोई नहीं हो सकता। आप मीटिंग में आप पहले अपना दिखा सकते हैं, फिर उनको बोल सकते हैं कि आप इस पे, आप इवन जैसे जिसकी कल मीटिंग है तो ले वाला आप अपने जो आपका इनवाइट है उसके साथ ले डालिए कि ले चीजों पे हमें कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये सबके लिए है जी सर, तो हम इस पे ही बात करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू मंजू जी। ओके सर, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं एसपीबीएम की। मैं एक बार हैंड लोअर कर देता हूँ सबके, किस किस ने, और हमने बात करी थी ले वाली स्लाइड की, किस किस को ले वाले लिंक नहीं मालूम या किसने खोल के देखे हैं, अब वो हैंड रेज कर सकता है। किस किस ने ले वाले लिंक जो मोदी के रोड को, तो हमें मालूम है मोदी के एसपीबीएम वेबसाइट, एसपीबीएम वेबसाइट का एड्रेस दे रखा training.modike.com। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी भी आई थिंक आपने बंधन ऐप लोड नहीं करी है, मोस्ट ऑफ दी पीपल ने, ये आप जरूर लोड कर लीजिए। आपके पास सारी ये आप जो भी डायरेक्टर एंड अबव हैं उनके मोबाइल में लोड होगी, उनके एमसीए नंबर पासवर्ड से लॉग इन होगा, और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो अटूट बंधन में क्राउन एंड अबव में आती है वही वहां भी ये इंफॉर्मेशन सारी पहले वहां पर आ जाती है। तो हाँ जी सर, सरला जी मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने ले वाली जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपने एसपीबीएम की वेबसाइट खोल के देखी? हाँ जी सर, पढ़ी, हाँ सुनी भी है मैंने, पढ़ी भी है, इसके नोट्स भी बनाए हैं मैंने सर। ओके, बहुत बढ़िया। और हाँ, बंधन ऐप कर ली आपने? बंधन ऐप तो खोला था मैंने, एमसीए नंबर मेरा वो पासवर्ड जो है ना वो बता नहीं रहा था, अभी मैंने परसों लिंक द्वारा चालू किया इसका, तो बंधन वैसे खोल लिया मैंने, देख लिया सारे। आपके एमसीए नंबर पासवर्ड से लॉगिन होगा बंधन ऐप में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या है, डायरेक्टर एंड अबव ऑल ओवर इंडिया के हैं, कंपनी की तरफ से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपका अपने आप आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, बाकी आपका ये यूट्यूब चैनल भी मैंने कर रखा है, और फैमिली मोदी केयर भी मेरा है, मोदी केयर ऐप को यूज करने का भी हमने वीडियो बनाया है, मोदी केयर ऐप को भी यूज करने का वीडियो बनाया है। वो किस लिए बनाया है कि आप किसी को कुछ भेजना चाहते हो, आप स्टोर ढूंढना चाहते हो, बहुत सारे फोन मेरे पास अभी भी आते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर कमिंग, कि हमें स्टोर का एड्रेस चाहिए, इस जगह पे कोई डीपी है कि नहीं है। तो मोदी केयर आपको, फैमिली मोदी केयर ऐप को आप जो वीडियो बनाया है उसके अंदर स्टोर कैसे ढूंढना है ये भी हमने कवर करवा रखा है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सरला जी। ओके, हाँ जी नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मैंने, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, हाँ जी बोलो। सारे लिंक्स जो है जो आपने दिखाए, आपकी ना वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ जी बोलो। हेलो, हाँ जी नरेंद्र जी बोलो। हेलो, हाँ जी सर, मैंने बोला कि मैंने भी ये सारे ऐप्स खोल के देख रखे हैं। ओके, कहीं इशू तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, पहले आ रहा था बंधन ऐप में वो खुल नहीं रहा था, लेकिन अब वो भी खुलने लग गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो training.modike.com है वहाँ पे सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, परिवर्तन की भी और शुरुआत की, और वहां से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये सब देख रखा है मैंने। ठीक है, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक बार हैंड सबके लोअर कर देता हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस करा इसमें से अगर किसी का कुछ समझ में नहीं आया
तो पहले वो हैंड रेज कर लें सो दैट कि फिर हम आगे चले। इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया जो हमने ये दो स्लाइड लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, तो वो हैंड रेज कर लें। अगर इसमें से कुछ भी अगर क्लियर नहीं है या कोई डिटेल चाहिए तो पहले हम इन दो, वो जो पॉइंट रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया तो हम उस पे बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सुनीता जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी सर, मुझे ये सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये SBMP वेबसाइट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मुझे बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, हम इसको ओपन ही कर देते हैं। ठीक है, SBMP वेबसाइट जो है वो training.modikar.com है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम यहाँ जाने का तरीका training.modikar.com है। ठीक है, हाँ जी, हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है सर। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, सुनीता जी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हेलो, हाँ जी सर आ रही है। ठीक है, हाँ जी नीलम जी, अभी एक बार पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपका मैं अनम्यूट करता हूँ आपको मैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हम training.modikar.com खोलेंगे तो ये साइट खुलती है, यहाँ पे लॉगिन करना है, यहाँ पे अपने MCA नंबर और पासवर्ड से जाना है। ठीक है सर। जिसके पास MCA नंबर पासवर्ड नहीं होगा वो ये साइट नहीं खोल सकता। अच्छा ठीक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस आ रही हैं। हाँ जी। ठीक है, अब जैसे टूल्स एंड लिटरेचर्स है, इसमें आरोग्या है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो लेख खुल जाएगी। ठीक है, में अलग अलग लैंग्वेज में भी है। प्लस हाँ जी, हाँ जी, हम वापिस जाएंगे प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनिंग में, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ पे माइटी गार्ड की ट्रेनिंग है, यहाँ पे श्लोका की ट्रेनिंग है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ हेल्थ की है, जिस पे आप क्लिक करोगे वो शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। और ये वीडियो है, वाई वी नीड सप्लीमेंट। हाँ जी। ठीक है, जिसने भी हेल्थ का जो आपने सर्टिफिकेट वो नहीं, यही वाला लिंक ही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो आपने भेजे थे हमें, हमने जो सुने हैं। हाँ, ले ही है वो। ठीक है जी। ठीक है, वाई वी नीड सप्लीमेंट, इस पे क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा। प्लांट प्रोटीन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है सर। मल्टीविटामिन के तो ले सारे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप सर्टिफिकेट दे सकते हो, जो आप वेल का सर्टिफिकेट है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से देंगे फिर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है सर। जितना हम इसमें जाके चेक करेंगे, यहाँ जाने से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गलत ऑप्शन दब जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना हम उसको जाके देखेंगे उतना ही हमें पता चलेगा। हाँ जी सर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अगर हम जाते हैं तो उसमें फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगा। हाँ जी, इन दी मीन टाइम पूनम जी ने हैंड रेज किया था। हाँ जी पूनम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। सर बंधन ऐप नहीं खुल रही मेरे फोन में। बंधन ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करी? हाँ जी। उसके बाद आपके MCA नंबर पासवर्ड से लॉगिन होगा। ओके सर, एक बार ट्राई करती हूँ, फिर नहीं खुलेगी। और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, आपके MCA नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होगा। फिर भी नरेंद्र जी बोल रहे थे पहले उनकी नहीं ओपन हो रही थी, एक बार उनसे पूछ लेते हैं उन्होंने क्या करा। हाँ जी नरेंद्र जी, अब अपने आप को अनम्यूट कर लो।
सर मैंने उसको दोबारा से जो अनइंस्टॉल करके ना फिर दोबारा से इंस्टॉल किया था ऐप को। ओके तो फिर उसमें मेरा हो गया था। पहले उसमें एक और ऑप्शन भी आ रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने किया था, वो कह रहा था कि आपके अप्लाई ने इसको वो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे मैसेज आ रहा था कुछ। हाँ मेरा भी ऐसे ही आ रहे थे सारे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपलाइन की तरफ से कुछ नहीं है, ये कंपनी की ऐप है तो अपलाइन की तरफ से कुछ नहीं है। आप एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा करोगे तो हो जाना, ठीक है। हमारे एंड से कुछ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अब SPBM सबको क्लियर हो गया कि कैसे देखते हैं। आप अपने मोबाइल में भी जहाँ गूगल टाइप करते हैं वहां पे training.modigarh.com टाइप करोगे तो ये सब ओपन हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमने किस किस ने प्लान पढ़ लिया। बंधन ऐप का आरती जी फायदा ले है कि जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की तरफ से, जो भी अनाउंसमेंट आती हैं वो क्राउन एंड अबव ग्रुप में जो आती हैं वो बंधन ऐप में भी आती हैं। उसमें ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्टर्स एंड अबव है, जो कि व्हाट्सएप की लिमिटेशन है कि 250 से ज्यादा यूजर नहीं हो सकते हैं। कंपनी ने वो स्पेशल ऐप इन हाउस बनाई है जिसमें 1,00,000 यूजर हो सकते हैं। और अनीता जी मेरी तरफ से वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने एंड पे चेक कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्लान के वीडियो थे वो किस किसने देखे हैं, वो हैंड रेस करें, क्योंकि जब तक हम बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे हम आगे कुछ मर्जी कर लें कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको ले नहीं आता होगा कि चेक कैसे आता है और चेक कैसे बढ़ाया जा सकता है। चेक बढ़ाने का सिंपल एक ही तरीका है कि जितनी ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग होंगी उतना बड़ा चेक होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो APV की कैलकुलेशन होती है उससे क्या होता है, 22 पे अगर कोई है तो 22-7 होगा तो 15%, 10 होगा तो 12%। तो जितने ज्यादा 7% होंगे, जितने ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग, 1 person = 1 factory होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक नहीं आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे। साथ में FSP पे काम जरूर करना है, उसे FSP जरूर बताना है कि FSP हमारे पास ऑप्शन है, चॉइस है, बाकी मर्जी उसकी है। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया जिनसे अभी हमने नहीं पूछा उससे बात कर लेते हैं। हाँ जी मीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। मीता कपूर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ जी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। हाँ जी मैडम गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। एक बार आप अपने आप को दोबारा से अनम्यूट करो। आ रही सर। हाँ जी मैडम आ रही है। अमीर मोदी आजादी प्लान के नोट्स बना लिए हैं सारे, दो बार प्लान को देख के समझ भी लिया है, मेरा एज सच तो कोई डाउट नहीं है, पर मेरे हेल्थ वाले नोट्स अभी थोड़े से इनकम्प्लीट है, वो कम्प्लीट हो जाएंगे सर आज शाम तक। चलो बहुत बढ़िया। पहले हम प्लान की बात कर लेते हैं कि आपने जो नोट्स बनाए हैं क्या आप अभी कुछ एग्जाम्पल दे के समझा पाएंगे, जो सेम एग्जाम्पल उसके अंदर था कुछ ऐसा समझा पाएंगे सो दैट कि सबको क्लियर हो जाए। सर मैंने जो स्टार्टिंग से सर डिटेल हम APV की बात करते हैं। पहले तो बेसिक टर्म्स दी हुई हैं जो हमें समझ में नहीं आती थी, जब मैं अपना देखती थी एक्टिंग कमीशंस में जाके, या अपना जो मेरा बिजनेस समरी आता है मुझे समझ में नहीं आता था, मैं हमेशा कॉल करती थी कुलदीप मैम को कि ये PPP क्या होता है, GPP क्या होता है। तो समीर मोदी आजादी प्लान में सबसे पहले तो उन टर्म्स को समझाया है बहुत अच्छे से, जो सब पढ़कर और सुनकर समझ में आया है कि व्हाट इज GPV और व्हाट इज PPV और कैसे कैलकुलेट करना है कि कितने पॉइंट्स हुए हैं, कितने और करने हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, बिकॉज सीनियर डायरेक्टर लेवल में 1100 चाहिए होते हैं PV, तो वो कैसे पूरे करने हैं वो सब समझ में आया सर। अब आपको काफी उससे हेल्प मिली, इसका क्या हम नहीं कह सकते हैं कि वो करने से कुछ आपको हेल्प मिली कुछ? बिल्कुल सर, काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई उसको समझ, आप लोग हमेशा समझाते थे समझ तब भी आता था, बट वो
रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी तो रिपीट करने के टाइम पे मुझे मुश्किल होती थी कि मैं कैसे दोबारा समझूं। सो कुलदीप मैम इज द ओनली ऑप्शन, मैं बार बार उन्हीं को परेशान करती थी। पर इसमें क्या है, जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ को उसी वीडियो को आप चार बार अगर सुन लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगी वो क्या क्या है। और शरद ने इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कोई डाउट रह ही नहीं जाता उसके बाद, वो सब कुछ समझ में आ जाता है उसके अंदर। एक एक वर्ड, एक एक नंबर जो उन्होंने दिया, सबके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। थैंक यू मीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी भारती मिश्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा सारी साइट देख के, मैंने भी पहली बार ही मतलब इतना खोला और ये सब देखा तो पूरे डाउट जो है बहुत सारे क्लियर हो गए। और ये टीवी, पीवी, जीपीवी, जीपीवी, पीजीपीवी, ये सब इन सब के बारे में मतलब मैं भी कंफ्यूज ही रहती थी, हमेशा आरती को फोन करके पूछती थी कि क्या है क्या है। अब बहुत सारे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतनी मतलब इजी लैंग्वेज में सब समझाया हुआ है और सारे वीडियोस भी बहुत ही बढ़िया है। अभी फूड सप्लीमेंट्स के भी देखे, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा सर। अब आप उसके नोट्स बना सकते हैं सो दैट कि आपको आगे के लिए फ्यूचर रेफरेंस हो जाए, तो आपको बार बार ना उसको रेफर करना पड़े, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। स्टार्ट कर दिया है मैंने नोट्स बनाना, क्योंकि जब हम एक बार लिख लेंगे तो हमें जब दोबारा कभी कुछ कंफ्यूजन भी होगा तो हमें वो याद रहेगा, तो उस टाइम जल्दी हमें याद आ जाएगा। थैंक यू जी। हाँ जी बोलो, बोलो किरण जी बोलो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैंने SPBM ट्रेनिंग देखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसमें मैंने हेल्थ के नोट्स बना लिए हैं, काफी बना लिए हैं। ओके बहुत बढ़िया। योगा शलोका की ट्रेनिंग मैंने देखी, उस ट्रेनिंग को देख के मैंने सर्टिफिकेट लिया और सर प्रोडक्ट की नॉलेज ली मैंने उस ट्रेनिंग से, और आजादी के 10 कदम उसके नोट्स बनाए मैंने और परिवर्तन को देखा वहां से, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे मेरे को जो चीज की नॉलेज नहीं थी कि इतने पीवी पे ये लेवल है हमारा, इतने पीवी पे ये लेवल है और हमें अपना कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, चेक कैसे बढ़ाना है, डेप्थ पे कैसे काम करना है, विड्थ पे कैसे करना है, तो सर मैंने वो सब सीख लिया। ठीक है, थैंक यू किरण जी। और अभी अभी अनंत जी ने भी एक मैसेज डाला, कल अनंत जी से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी वीडियो बनाने के लिए सो दैट कि टाइम को यूटिलाइज किया जा सके। तो अनंत जी ने समीर मोदी आजादी प्लान पर कल एक वीडियो बना के ग्रुप में भी डाला है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बोर्ड पे उन्होंने एक्सप्लेन भी करा है, तो आप उसको भी देख के रेफर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, करना तो पड़ेगा, कंपनी ने सारा सिस्टम बना के दे रखा है, सारा ट्रैक बना के दे रखा है, चलना पड़ेगा। एक बार जब हम समझ लेंगे कोई चीज, हमें एक बार अगर समझ में आ जाती है तो फिर हम उसे नहीं भूलते, अगर हम उसके नोट्स बना लेते हैं। बट अगर हम उसको समझेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये सिलेबस चेंज नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत एड ऑन हो सकता है बट कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो एक बार हम समझ लेंगे कि चेक कैसे बनता है, उससे आप चेक कैलकुलेशन अपनी निकाल सकते हैं, और कैसे जब आपको चेक निकालना आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा चेक बढ़ कैसे सकता है। बढ़ने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है कि आपकी टीम में जितने ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग होंगे उतना बड़ा चेक होगा। आप एक महीने में 10 न्यू ज्वाइनिंग विद रॉयल्टी कर लो और 1 महीने में 5 कर लो, आपको अपने आप डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। क्यों, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, न्यू ज्वाइनिंग होने से APB बढ़ेगा, प्लस जो डायरेक्टर एंड अबव है PGB भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर भी मेंटेन हो जाएगा और APB भी बढ़ जाएगा। तो अगर एक लाइन में बोलूं, सिंपल एक ही फार्मूला है कि वो 1% आगे और कितने पर्सन को लेके आएगा। अगर वो नहीं हो रहा, हम बाकी सारी एक्टिविटी करते रहे कोई फायदा नहीं, अगर हम मेमोरी जोगर नहीं बना रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर हम बिजी तो हैं, लेकिन बिजी प्रोडक्टिव ना होना फिर बेकार है। बिजी तब होना चाहिए जब उसमें से जो हम काम कर रहे हैं उससे कुछ प्रोडक्टिव भी आ रहा हो। सिर्फ हम यहाँ पे किसी को भी चेक जो है वर्किंग आवर पे नहीं आता कि आप 8 घंटे काम कर लियो, 2 घंटे कर लियो या 10 घंटे कर लियो। चेक किस पे आता है कि कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ। अगर वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ,
चाहे सुरेखा मैडम भी क्यों ना हो तो भी चेक नहीं आता। तो बहुत सिंपल एक ही कंसेप्ट है कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा, जब न्यू पर्सन आएंगे प्लस जो ओल्ड पर्सन है आप उनके मेमोरी जोगर पे काम करोगे, जब आप उनके चेक पे काम करोगे। अब जो बाकी और भी उसके अंदर वीडियो थे, अभी जैसे इन्होंने बताया बेसिक टर्म्स का, मीता जी ने एपीबी कैलकुलेशन किसने जो वीडियो था उसको सुन के करी है, क्योंकि मैं आपने ही करनी है। अगर आपको कुछ डाउट आया तो आप पूछ सकते हैं, जब तक आप एक बार सुनेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। एपीबी कैलकुलेशन किस किसने उसमें से करके देख ली, क्योंकि हम बार बार इस पे नहीं चलेंगे, फिर अगली बार हम डायरेक्टर बोनस पे चले जाएंगे। अभी एपीबी कैलकुलेशन अगर किसी ने नहीं, किस किसने करके देखी है और क्या प्रॉब्लम आई या क्या समझ में आया, वो हैंड रेज करें। जो एसपीबीएम की ट्रेनिंग है, एपीबी कैलकुलेशन किसने करी है, और ऐसा नहीं मैं बोल रहा कुछ भी, एपीबी हमने पता नहीं कितनी बार करा है, कितनी बार हमने बोर्ड पे करा है, कितनी बार हमने ट्रेनिंग में करा है, ऐसी कोई नई चीज किसी से नहीं पूछी जा रही। बट अभी भी आप देख सकते हैं टोटल 46 में से 6 या 7 लोगों के हैंड रेज हैं। जब तक हम इस लेवल पर नहीं आएंगे, एपीबी पे नहीं आएंगे, तो अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, डायरेक्टर बोनस कैसे निकालेंगे, उसके अंदर सब कैलकुलेशन है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा टाइम निकाल के करोगे, मैंने क्या बोला, प्रोडक्टिव वर्क हो तभी मतलब है। हाँ जी वंदना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एपीबी कैलकुलेशन अब आप आ गई आपको? यस सर। कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। देखो दो ही काम करने हैं, पहले आप समझना है तब आप अपनी डाउनलाइन को समझा पाएंगे, अपनी टीम में समझा पाएंगे। तो यहाँ पे पहला काम क्या करना होता है, अर्जुन की तरह हमें सीखना है। उसके बाद जब हमें अच्छी तरह आ जाए तो हमें द्रोणाचार्य का पार्ट अदा करना है और बहुत सारे अर्जुन बनाना है। नेट मार्केटिंग इसी का ही मतलब है, इसी को ही डुप्लीकेशन कहते हैं। तो अगर पहला पार्ट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हम दूसरा पार्ट कर लेंगे, दूसरा कभी नहीं होगा। हम सोचेंगे कोई अपने आप कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और भी आपने वंदना जी, आपने वो भी देख लिया, एसपीबीएम देखी? यस सर। सर मैंने शुरुआत के पूरे 10 पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, परिवर्तन हाफ नोट डाउन कर चुकी हूँ मैं। okay. और अब परिवर्तन का लास्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आरोग्य पर नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और आप सौरव सर की ट्रेनिंग में थे कल? सर कल नहीं थी, एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं वहां पर थी। ओके कोई बात नहीं। तो उसमें परिवर्तन उन्होंने करके दिखाई थी, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसको सुन के उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ओके, जिससे कि आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, प्लस साथ में उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भी भेज दी है जो कल हमने करी थी। बट उसमें एक कंडीशन है कि वो स्क्रिप्ट जिनके पास जाएगी आगे शेयर नहीं होगी, ये उन्होंने मुझे बोला है। जो उस ग्रुप में है सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी और आगे शेयर होगी, इसके लिए सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास हिंदी में जो उन्होंने कल बोली थी वो स्क्रिप्ट भी लिखी हुई आ गई है, लेकिन वो आगे शेयर नहीं होगी, आपके पास आ जाएगी। और इस ट्यूजडे को आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाएंगी, आपके पास हिंदी में लिखा हुआ भी आ जाएगा जो उन्होंने कल बोला था, ठीक है? उससे आप बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और आई मस्ट से दैट आपने जो लास्ट जो हमने ट्यूसडे ट्रेनिंग करी थी, आपका पार्ट बहुत अच्छा था, पलंग के ऊपर से तो उठा लो वो, तो आपने पूरा तैयारी करके बोला था शुरुआत वाला। यस सर। ठीक है, थैंक यू वंदना जी। हाँ जी पूजा धमीजा जी। हाँ जी पूजा धमीजा जी, आप अपना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी जो अभी तक हमने डिस्कस करा आपको सब क्लियर, जो हमने लास्ट टाइम भी हमने इस स्लाइड्स पर बात करी थी सबको क्लियर हो गई? हाँ जी हाँ जी। आपने एसपीबीएम खोल के देख लिया? हाँ जी हाँ जी, पहले ही देख लिया। ठीक है, तो अब इस पे करना क्या है, ये सबके लिए है कि जो भी टीम में आता है हमें डुप्लीकेशन करानी है। तो डुप्लीकेशन कैसे होगी कि जो कंपनी ने सिस्टम बना के दे रखा है उनको भी उसी वही दिखाना है कि यहाँ पर है, ये
कंपनी ने सिस्टम बना के दे रखा है उसके साथ कनेक्ट करवाना, दैट इज डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सबके लिए है, तो उसके साथ सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाना। कंपनी का काम है सिस्टम बना के देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना, ये कंपनी का काम है। ऐसे अपलाइन हमारा काम है सारी टीम को उस सिस्टम को यूज करना सिखाना, फिर इम्प्लीमेंटेशन उसी पर्सन को करना है, क्योंकि जब तक हम आप नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना ही हम किसी को बता पाएंगे। ठीक है, थैंक यू पूजा जी। एक और चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ, कईयों को मैंने शायद कल परसों में बताई, केवाईसी और एनईएफटी। कंपनी ने पिछले लास्ट वीक से 40 लोग सिर्फ एक ही काम पे लगा रखे हैं, केवाईसी और एनईएफटी के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के केवाईसी और एनईएफटी हो भी गई हैं, लास्ट टाइम भी हमने पूजा जी ने बोला था। अब मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि सबके आप अपनी टीम की केवाईसी एनईएफटी कर दीजिए। अगर इस टाइम पे कोई छोटी मोटी गलती भी होगी ना तो भी पास, तो भी वो उसकी एनईएफटी क्लियर हो जाएगी, केवाईसी भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसको कर लीजिए। दूसरा, जिसको भी डबल पीवी धमाका में एक्स्ट्रा पीवी मिले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी 2020 के बाद है, तो कंपनी ने बोला था उनकी अगर केवाईसी अप्रूव नहीं हुई स्पेसिफिकली, तो डबल पीवी में जो एक्स्ट्रा 100 के जगह 150 मिले हैं वो माइनस हो सकते हैं। प्लस आपकी जितनी भी टीम की रहती हैं वो कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ आप लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं। मैंने सबको लिस्ट निकाल के भी दी थी, मेन मेन लीडर्स को सबको मैंने लिस्ट निकाल के दी थी कि किसकी केवाईसी हुई है, किसकी एनईएफटी हुई है। मैं एक बार लॉगिन करके, आप मोबाइल से ही modigyo.com पे लॉगिन करके आप वो लिस्ट निकाल सकते हैं, मैं एक बार शो कर देता हूँ। अभी तक हमने जो डिस्कस करा, किसी का पॉइंट, कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को कुछ समझना है तो वो हैंड रेज कर सकता है। स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी संतोष जी बोलो। सर के बाद जो सर मेरी आवाज आ रही है आप अनम्यूट है, बोलो बोलो। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो डॉक्टर लेवल के बाद जो लेवल्स होते हैं उनके एपीबी जो ग्रुप के साथ में एड ऑन करने होते हैं, तो वो सर मेरे को भी थोड़ा उसके कंफ्यूजिंग है। और सर दूसरा ये कि अगर हम किसी को बताते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका चेक दिखाओ हमें, आपको कितने का मिल रहा है और आपके डायरेक्टर को कितने का मिल रहा है, तो वो सर थोड़ा सा जैसे कि करण सर ने कल बताया था कि हम लोगों को ये सब चीजें डिटेल्स में स्टार्टिंग में नहीं बतानी चाहिए, तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम सिर्फ प्लानिंग के बारे में कहाँ तक बताएं, सिर्फ लॉयल्टी के बारे में, क्योंकि वो लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो वो पहले मेन बात है कि वो पैसे की बात ही करते हैं कि आपको कितने का मिल रहा है। देखो बहुत सिंपल है, टाइम में कितने का मिलेगा। देखो बहुत सिंपल है ना, मैंने आपको एक बात बोली अभी शुरू में। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबकी सबको क्लियर कर देते हैं। चेक वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा किस पर आता है? जितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। आप उसका सिंपल एक आंसर दे सकते हो कि मैं जितना टाइम उसमें दूंगी उतना मुझे उस हिसाब से मेरा चेक आता है। और सामने वाला अगर पर्सन आपसे पूछता है कि मेरा चेक कितने का आएगा, आप उसे सिंपल एक ही आंसर दो, अगर आपको 10,000 चेक लेना है तो 1-2 लाख रुपए की आपकी पूरे ग्रुप की शॉपिंग, यानी कि अगर 1 लाख 2 लाख पे 50% करेंगे तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आएगा, तो आपका 10,000 का चेक आ सकता है। अब आप ले बताइए कि आप ले 2 महीने में कर सकते हैं या 4 महीने में या 6 महीने में, आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। और ये अच्छा है, ये बेस्ट है सर कि कितने महीने में कर सकते हो आप। हाँ बहुत सिंपल है, जितना बिजनेस वॉल्यूम आता है ना उसका 10% आप बता सकते हो, उतना चेक आ जाएगा आपका। वो कहेगी मुझे 25,000 का चेक बताया। हाँ तो बस आप उससे पूछो, आप उससे पूछो आप कितना करोगे, ये बताओ, आप उल्टा उससे क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, ये कभी नहीं पूछा कि आप कितना लेना चाहते हो, आप कितना करना चाहते हो। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया
सर तो वैसे हमें सिर्फ सिंपल वे में हमें सिर्फ लॉयल्टी तक ही उनको स्टार्टिंग में समझाना चाहिए, बताना चाहिए किसी को कि ऐसे एज ए फर्स्ट स्टेप लॉयल्टी। फर्स्ट देखो, फर्स्ट उसमें लॉयल्टी तक ही आएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप एपीबी वाला बता सकते हैं, बस उससे ज्यादा आप बताओगे उसको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी किरण जी, आपने हैंड रेस किया था, या हम आगे चलें? हाँ जी सर, सर मैं ये कह रही थी जो अभी आपने 10 पॉइंट बताए थे वो मुझे स्क्रीन क्लियर शेयर नहीं हो रहा है। ये मैंने पिछली बार बताए थे, आप इसकी फोटो ले सकते हो। मैंने इसकी फोटो लेके डायरेक्टर ग्रुप में डाली थी लास्ट वीक सर, अभी वहां से ले सकते हो। डायरेक्टर ग्रुप में मैंने फोटो डाली थी लास्ट वीक ट्रेनिंग के बाद। सर ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम बात करने वाले थे, आई थिंक स्क्रीन सबको शो हो रही है। मैं एक बार दोबारा से दिखा रहा हूं कि आपको अपनी टीम का केवाईसी एनईएफटी कैसे निकाल सकते हो, इस पे जरूर काम करना है। आप लैपटॉप, आप मोबाइल से भी जाओगे तो भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगी, ठीक है। modiker.com ओपन करोगे, यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रही है। मैं एक दो चीजें यहाँ सिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे किसी का लिंक नहीं जाता है तो लिंक कैसे भेजने हैं, जो हम ज्वाइनिंग करते हैं तो अगर उसका लिंक नहीं जाता तो वो लिंक कैसे भेजना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट्स में फ्रंटलाइन स्टेटस रिपोर्ट है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आ रही है, आप वो कर सकते हो, जिसको भी क्लियर नहीं है आप हैंड्स इसको क्या बोलते हैं बड़ा करके देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सेंड लिंक का ऑप्शन आ रहा है, सेंड लिंक का मतलब ले सेंड आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम जब ज्वाइनिंग डालते हैं तो उसके नंबर पे लिंक जाता है एक्टिवेशन का, अगर जिसका नहीं गया है। वर्ड्स ब्लर आ रहे हैं सर, आप अपने हैंड से रेज को, एक मिनट है दोबारा करके देखता हूं। अब चेक करो सर, अब ठीक है। ठीक है, तो अब ले फ्रंटलाइन एनरोलमेंट नेटवर्क में फ्रंटलाइन स्टेटस रिपोर्ट है, यहाँ पे 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, पुष्पा के नाम से ज्वाइनिंग है सर। क्लियर नहीं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर। फिर सर ऐसे ही हो गया, नेट की कुछ दिक्कत होगी। अब चेक करो, आप स्टेप लोड कर सकते हो modiker.com में। एक चीज ध्यान रखनी है, ये जब ले लिंक जाना है जो इमीडिएट अपलाइन है उसी के पास ही जाना है, ये उसकी आईडी से लिंक जाएगा, मेरे आईडी से भी नहीं जाएगा। जो इमीडिएट अपलाइन है उसके आईडी से लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आती है रिपोर्ट्स में नीचे ऑप्शन आती है फ्रंटलाइन स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपकी एक्टिव नहीं है, जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि अगर एक्टिवेट नहीं किया तो 6 महीने बाद उसका नंबर बंद हो सकता है। जैसे ही सेंड पे हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक करते ही उसके मोबाइल पे SMS चला जाएगा, एक्टिवेशन का लिंक चला जाएगा जो आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो आप स्टेप नोट कर सकते हैं, आप इमीडिएट अपलाइन की आईडी से लॉग इन करना है, रिपोर्ट्स में जाना है और फ्रंटलाइन स्टेटस रिपोर्ट में जाना है, ठीक है। और लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हम चेक कैसे निकाल सकते हैं, चेक की कॉपी कैसे निकाल सकते हैं, रिपोर्ट्स में जाना है, यहाँ पे बोनस रिपोर्ट है इस पे जाना है। अभी जैसे मई चल रहा है, अभी मई का नहीं दिखाएगा, अप्रैल में जा, जो भी लास्ट मंथ आप जो भी चूज करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करोगे, शो बिजनेस रिपोर्ट आ जाएगा, यहाँ से आप चेक देख सकते हो और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो,
मोदी गेयर के लेटर हेड के ऊपर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो आप इसको ऐसे पीडीएफ भी वो कर सकते हो या फिर आप यहां से इसकी पिक्चर भी ले सकते हो। अगर पीडीएफ करोगे तो ले सेव कर देगा और जो आपका एमसीए नंबर का पासवर्ड है उसी पासवर्ड से लॉगिन होगा। तो आपका लेटर हेड पे चेक, इसी का 100 रुपए का चेक भी आता हो, वो प्रिंट आउट निकाल सकता है और दिखा सकता है। उसका नाम, एमसीए नंबर, मोदी केयर में लेवल लिखा हुआ आता है, ऐसे करके आप पीडीएफ निकाल सकते हो। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ओपन पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड मांगेगा जिस पासवर्ड से लॉगिन करा था, जो एमसीए नंबर का पासवर्ड है, और आप इसकी प्रिंट आउट लेके अपनी फाइल में लगा सकते हो। ये ऐसे करके आपके पास लेटर हेड में आप इसको कलर या ब्लैक एंड कलर प्रिंट आउट में भी निकाल सकते हो। शो हो रहा है ना सबको? हेलो, हाँ जी सर, हो रहा है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अपनी फाइल में लगा सकते हो कि आपका इससे इतने का चेक आ। चलिए मैं कुछ और ऑप्शन उसमें से और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी सर, अगर हम अपनी पूरी ट्री देखना चाहें वो ट्री देख सकते हैं? ट्री की फॉर्म में नहीं आता, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। एग्जैक्ट ट्री की ऑप्शन में नहीं आता, पहले आता था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आता कैसे। यहाँ पे सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आई होप कि मैंने वीडियो बना के दिया था, जिसको भी नहीं आता वो वीडियो रेफर करने, शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए हमेशा वेबसाइट से करना, उससे मत करना, ऐप में कई बार दिक्कत आती है। आप जैसे देखो, बहुत सिंपल है देखने का तरीका कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। जो हमने बात करी न्यू ज्वाइनिंग कितनी हुई है, आप अपनी पूरे मंथ की न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट निकाल सकते हो। रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग में जाएंगे, यहाँ पे मंथ वाइज हम निकाल सकते हैं। जैसे शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो जो न्यू ज्वाइनिंग हुई वो ले दिखा देगा आपको, और लास्ट मंथ कितनी हुई वो भी दिखा देगा, पिछले एक साल का आपको डाटा दिखा रहा है, और उनका कितना पीवी डला, यहाँ सब कुछ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका पीवी कितना हुआ, जीपीवी कितना हुआ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सुभाष कुमार, पीवी भी उतना ही है, जीपीवी मतलब उसके नीचे कोई नहीं है, तो उसका पीवी और जीपीवी एक ही है, क्योंकि देख जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, एक बार समझ में आ जाएगा, वहां सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहां से आप पूरा स्टेटस निकाल सकते हो। और आप एक और चीज बता देता हूँ, जो लोग बिलिंग करते हैं, जैसे पेटीएम का वैलेट होता है, ऐसे मोदी केयर का वैलेट होता है एम वैलेट, इसमें आप पेमेंट करके रख सकते हो, क्रेडिट में डाल के रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आपको नेट बैंकिंग पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, जहां आप जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं आप टाइप करोगे, उसके बाद आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से या गूगल पे वैलेट से आप पे कर सकते हो। जैसे कि मैंने कभी जब यहाँ पे किया होगा तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, अभी यहाँ पे क्रेडिट 33 रुपए है, मैंने इतने डाले और यूज कर लिए। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, हाँ जी मीता जी बोलो। हेलो, हाँ जी मैडम बोलो। सर, एक्टिव रिपोर्ट में खाली केवाईसी का पता चलेगा, एनईएफटी का भी, दोनों होगा तभी एक्टिव होगा या खाली केवाईसी रिलेटेड तभी एक्टिव होगा? नहीं नहीं, पहले एक्टिव रिपोर्ट का मतलब कुछ और, अभी दिखाता हूँ मैं, सॉरी मैं भूल गया। वो एक्टिव रिपोर्ट का मतलब ले है उसने 350 बीवी करे हैं या नहीं करे हैं, उसमें केवाईसी और एनईएफटी का कोई फंडा नहीं है। डायरेक्टर से नीचे जी पूरी टीम में, आपकी टीम में वो देखने का तरीका है कि किस किस ने 350 बीवी करे हैं तो एक्टिव में आएगा, नहीं करे तो नहीं एक्टिव है, और अगर वो डायरेक्टर एंड अबव है तो 700 बीवी जी। ठीक है, तो एक्टिव रिपोर्ट का मतलब ले है,
मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मैं दिखा रहा था, आपको रिपोर्ट्स में जाना है जी, उसके बाद एनरोलमेंट नेटवर्क में जाना है। हाँ सर, इसमें एनईएफटी का कॉलम बहुत दूर जाके आता है। मैं बताता हूँ कैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एनरोलमेंट नेटवर्क में गए जी, उसके बाद शो नेटवर्क में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक कॉलम है, इसके अंदर सारा कुछ आ रहा है, राइट। हाँ जी, एक यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है, स्क्रीन साथ में चलती है, यहाँ पे केवाईसी एनईएफटी यहाँ पर आ रही है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको इस वो क्लिक करना है, उसके बाद आपने ना इसको सिलेक्ट कर लेना पूरा, और ना इसको एक्सेल में ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना। सर एक्सेल में लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, आप एक्सेल में ऊपर नीचे इसलिए हो जाती हैं कि ना आपने जो स्पेस छोड़ा होता है ना नेम वाला जी, वो लाइन छोटी होती है, उसकी विड्थ छोटी होती है। तो जो पहली दो, हाँ जो पहली दो तीन लाइन है ना, ये जो पहली दो तीन होंगी, इसको आप क्या करोगे, उसको साइज बड़ा कर दोगे, फिर एग्जैक्ट उसमें फिट आ जाएगी। ठीक 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 ठीक। फिर उसमें क्या, और इसमें एक और चीज भी है, देखो इसमें जैसे 58 पेज हैं और 21 पेज पे 20 आते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसको एक पेज पे 100, 500 भी ले सकते हैं, हमें बार बार नहीं जाने की जरूरत। मैंने जैसे 100 लिया, तो एक पेज पे 100 आएंगे, मैं 100 को चूज कर सकता हूँ, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके उधर लेके जा सकता हूँ। प्लस जिसको नहीं करना आता वो यहाँ पे उनको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से वो नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से उसका दिखाई दे रहा है कि उसका केवाईसी कितना, केवाईसी हुआ है कि नहीं, या केवाईसी अप्रूव्ड है, नॉट सबमिटेड है। उसके आगे यहाँ पे एनईएफटी भी आ रहा है, जो एक्स्ट्रा पीवी कंपनी ने दिए जो इस बार चल रहा है, वो भी लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ ना ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ आता है। तो केवाईसी और एनईएफटी को आपको यहाँ से लिस्ट ले सकते हो, और उस पे काम जरूर जरूर करना है जी। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, बोलो। सही, जो राइट साइड लास्ट कॉर्नर में रोशनी ऐप जो आता है, रोशनी का राइट, इसको और ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते ना? मैंने ट्राई किया, ही नहीं हो रहा, बिकॉज इससे मुझे स्क्रॉलिंग बहुत दिक्कत आती है। नहीं, रे नहीं हो रहा, रे परमानेंट है। रोशनी ऐप किस लिए है कि आपको, आपने अच्छा हुआ यहाँ पे बता दिया, रोशनी ऐप क्या है कि आप हेल्प के लिए एक वर्चुअल बनाया गया है, कि आपको कुछ भी ढूंढना है वो इसके अंदर आप डालोगे तो अपने आप वो ऑप्शन बता देगी कि ऑप्शन कहाँ पर वो मिलेगी, जैसे ग्रुप पीवी जो भी इसके मेमोरी में लिखा होगा तो वो ढूंढ के बता देगी। जैसे ग्रुप पीवी निकाल, मैंने लिखा तो इसने अपने आप निकाल दिया ग्रुप पीवी कितना हुआ, जिसकी आईडी से लॉगिन किया हुआ है उसका पूरा दिखा दिया जी। यहाँ पे बिजनेस, तो ये हेल्प के लिए बनाई गई। अब जैसे बिजनेस रिपोर्ट निकालनी है तो यहाँ से बिजनेस रिपोर्ट निकाली जा सकती है, प्रीवियस मंथ कितनी थी, लास्ट इस मंथ कितनी है। तो आप रोशनी ऐप क्या है, वी कैन से कि एक कंपनी ने और एक टूल बना के दे दिया, जिसको आप यूज करके आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रही साइट पर, आप इसके पास क्लिक करो, यहाँ लिख दो, अपने आप वो ढूंढ के दे देगी आप। सर इसे लॉकडाउन में बहुत हेल्प की है, जब कॉल सेंटर नहीं चले तो मैंने बहुत कुछ इन्हीं से पूछा है, रोशनी जी से। बहुत बढ़िया, देखो कंपनी डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती जा रही है। अब मेन है कि कंपनी अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, बट यूज तो हमें करना है जी सर। अगर हम यूज नहीं, अब इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हम मोबाइल से भी इसमें लॉगिन करके देख सकते हैं, अगर हम नहीं कर रहे तो इससे ज्यादा कंपनी तो नहीं कर सकती। कंपनी का काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। इसमें बिल्डर रिपोर्ट में आप ये निकाल सकते हो आपके नीचे कितने ट्रैक्टर्स हैं, उनके कितने पॉइंट्स हुए हैं, यहाँ से वो भी निकल जाता है। पहले हमें दिक्कत क्या आती थी कि लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो लैपटॉप कैसे, कुछ ऑप्शन लैपटॉप से नजर आती थी, अब मोबाइल से ही modigar.com आप ओपन करो सब कुछ आ जाता है। इसमें आप फ्रंट लाइन के टारगेट रिपोर्ट निकाल सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर किसी का निकालना है, उसका MCA नंबर बताओगे तो उसका BP बता देगा, ठीक है। अब हम कुछ लोगों ने और भी इसमें हैंड रेज किए हैं, मैं उनको भी एक